नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, सोशल वर्क का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिसकंसेप्शंस ऑफ सोशल वर्क, यानी कि समाज कार्य की भ्रांतियां क्या होती हैं। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है 10 या 15 नंबर का करीबन, ठीक है। तो ये सोशल वर्क का हमारा पूरा कोर्स चल रहा है, पेड कोर्स चल रहा है, और उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ नोट, और प्लस मेरे ऑडियो लेक्चर में दे रहा हूँ। 6 ऑडियो लेक्चर दे चुका हूँ अभी करीबन 25 से 30 मिनट के, ठीक है। उसमें मैं करीबन 50 ऑडियो लेक्चर दूंगा, जिसमें सोशल पेपर 1 और पेपर 2 हो जाएगा। अभी वो कोर्स चलेगा मई पूरा, मतलब जब तक वो मेंस नहीं होगा तब तक वो चलेगा, ठीक है। और मैं कोई अलग से ग्रुप नहीं बनाऊंगा उसके लिए, तो आराम से करेंगे सोशल वर्क का। वैसे तो कोर्स 1 महीने में हो सकता है, लेकिन हम बहुत आराम से पूरा समझा समझा के मैं उसमें कर रहा हूँ। तो वो वाले अगर ऑडियो लेक्चर भी मेरे किसी ने सुन लिए तो पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। वैसे सोशल वर्क का मैं आपको बता दूँ, जितनी भी मार्केट में बुक्स हैं या मटेरियल है, लगभग सब में सेम चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताऊँगा मैं मिसकंसेप्शंस क्या क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या क्या लिखने हैं, आंसर में लिखना क्या क्या है, ये सब, ठीक है। तो चलो इसमें, और बाकी ये सब डिफिनेशन डिफिनेशन मैं पहले बता चुका हूँ, कई सारे मेरे वीडियो आ चुके हैं सोशल वर्क के। अगर आप लोग बोलेंगे तो एक बार जब ये ऑडियो लेक्चर पूरे हो जाएंगे कंप्लीट, तो फिर मैं वो पूरे एक साथ यूट्यूब में शेड्यूल कर दूंगा, ठीक है। डेली डेली एक टाइम लगा के शेड्यूल कर दूंगा कि आप लोग भी उसको सुन सको। वो करीबन मार्च एंड तक कर पाऊंगा, मैं पूरी ऑडियो लेक्चर बना पाऊंगा, तो वो मार्च एंड के बाद मैं यूट्यूब में पूरे उनको कर दूंगा। अच्छा, पेड ग्रुप का फ़ायदा क्या क्या है? पेड ग्रुप में आपको आंसर राइटिंग होती है, क्वेश्चन दिए जाते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर का मटेरियल मिलेगा, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, प्लस आप जितने भी लोग आंसर लिखेंगे उसका इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाएगा कि क्या आपके आंसर में कमी है और क्या इंप्रूवमेंट की, सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। और प्लस जो टोटल जो नोट्स होते हैं कंपाइलेशन, वो मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, और पूरे के पूरे मेरे वॉइस लेक्चर जो हैं एक ही जगह पे मिल सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म में, या फिर कोई और कन्फ्यूज़न होगा तो वो सब दूर किया जा सकता है। अब देखिए, मिसकंसेप्शन होता क्या क्या है। वैसे सोशल वर्क के बारे में मैं बताऊँ, आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, समाज कार्य का मतलब है कि किसी की ऐसे सहायता करना कि वो अपनी सहायता करने के काबिल खुद बन सके, मतलब उसमें वो कैपेसिटी डेवलपमेंट कर देना, उसकी वो कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर देना कि वो खुद काबिल बन सके, वो इंटरडिपेंडेंट बन सके। और समाज कार्य का मतलब यही है कि आप किसी की ऐसे सहायता करो कि उसमें परमानेंट सॉल्यूशन दे दो आप उसको, ठीक है। ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। वैसे मीनिंग और डेफिनेशन में कई सारे ऑथर्स जो हैं सोशल वर्क के, जितने भी स्कॉलर्स हुए, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दिए है, तो कई सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब इसमें देखिए, जो मिसकंसेप्शन है, 9 है मिसकंसेप्शन ओवरऑल, ठीक है। कई जगह से मैं कंपाइल करके लाया हूँ, और इसमें ये क्वेश्चन भी दिया है मैंने, मीन्स जो पेड ग्रुप के लिए है वो वहाँ पर आंसर राइटिंग करके उसका फीडबैक भी दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो समाज कार्य, अब इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है आपको कि ये जो 9 मिसकंसेप्शन है, ठीक है, इनमें एक चीज़ जो कुछ सोशल वर्क की कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको रट्टी होनी चाहिए कि सोशल वर्क क्या होता है। सोशल वर्क एक प्रोफेशनल वो है, आपका प्रोफेशन बेस्ड है ये, ठीक है, मतलब एक व्यावसायिक सेवा है ये, प्रोफेशनल सर्विस है। दूसरी बात है कि सोशल वर्क के लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही नहीं कोई मुंह उठा के चला आएगा कि हम सोशल वर्कर हैं। कई सारे लोग जो हैं वेलफेयर एजेंसी में काम करते हैं, वो सोचते हैं सोशल वर्कर हैं, ऐसा नहीं है। वो एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए वेलफेयर में लगे होंगे, लेकिन सोशल वर्क का क्या मतलब है, एम क्या है, एम समझिए आप। एम इसका यह है कि मान लीजिए किसी का कोई इंडिविजुअल समस्या है, कोई ग्रुप में समस्या है, कोई कम्युनिटी में समस्या है, किसी का कुछ इंटर पर्सनल समस्या है, या फिर इंट्रा पर्सनल, यानी कि वो या तो आपकी अंदरूनी कोई समस्या है आपको, या आपको इन्वायरमेंट से कोई समस्या है, आपको कोई ऐसे रिलेशनशिप मैनेज करने में समस्या है, साइको सोशल एडजस्टमेंट करने में समस्या आ रही है, उन सबको सॉल्व करता है, वो भी परमानेंटली सॉल्यूशन देता है, वो भी आपके साथ पूरा इन्वॉल्व होके एनालिसिस करके। और जो सोशल वर्कर होता है उसकी बाकायदा एक डिग्री होती है, उसका पूरा एक फील्ड एक्सपीरियंस होता है, उसके पास पूरी स्किल्स होती हैं, उसको ह्यूमन रिलेशन की समझ होती है कि क्या आपसे बात करनी है, क्या आपकी एनालिसिस करनी है, क्या आपकी रुचि है, आपके राइट्स का हनन करते बिना अगर आपको वो पूरा परमानेंट सॉल्यूशन दे सके, ताकि आप जो है उसको उस प्रॉब्लम के लिए दोबारा किसी के पास ना जाएं, ठीक है। तो ये ही सब होता है सोशल वर्क, ये सब कुछ मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखिए, कुछ लोग एक्चुअली ना समाज कार्य की अगर आप उत्पत्ति देखेंगे तो प्राचीन काल में, यानी कि एंशियंट एज से हुई है, तो तब क्या होता था, तब चैरिटी होती थी, ठीक है। चैरिटी मतलब लोग समझते थे कि जो दान करना है वो एक तरह से सोशल वर्क है, ठीक है। उसमें एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ था कि उस टाइम पे
जो भिक्षावृत्ति होती थी उसमें लोग दान करते थे, फिर एक और रिलीजियस कॉन्सेप्ट होता था, अगर आप कई सारे धर्मों में देखेंगे तो लोग बोलते हैं कि आपको दान पुण्य करते रहना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ये ऐसा हर धर्म में किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर लिखा हुआ है। तो उस टाइम में ये सोचा जाता था प्राचीन काल में, लेकिन जो मॉडर्न थॉट है वो क्या है कि सोशल वर्क एक प्रोफेशन है, ठीक है, तो ये सोशल वर्क पूरा एक प्रोफेशन बन चुका है। यहाँ पे आप किसी की सहायता करते हैं, अगर किसी को कोई परमानेंट सॉल्यूशन देते हैं, उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो ये आपका एक लाइवलीहुड ऑप्शन भी है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे समाज कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे कुछ लोग की ऐसी सोच होती है कि मान लीजिए किसी ने हेल्प की किसी की तो वो बोलते हैं कि ठीक है सॉरी, ठीक है थैंक यू, लेकिन ये समाज कर का ये मतलब नहीं, ये एक प्रोफेशनल है। अगर आपने किसी की मदद की है, कोई समस्या से ग्रसित है, कोई नहीं एडजस्टमेंट कर पा रहा है, किसी को मैरिज से समस्या है, किसी को जॉब से समस्या है, किसी भी चीज़ों से समस्या है, अगर आपने उसकी हेल्प कर दी, परमानेंट सोल्यूशन दिया, तो वो आपको बाकायदा, आपके पास डिग्री होगी तभी देख के आएगा, आपने बाकायदा उस फील्ड में स्किल हैं, वो आपकी एक्सपीरियंस है, और आपको फीस भी मिलेगी उसकी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो चैरिटी से एक्चुअली इसका यहाँ पर स्टार्टिंग हुई, ठीक है। एक ये जरूर याद रखिएगा CWDR, मतलब चैरिटी से सबसे पहली स्टेज थी, फिर माना गया कि नहीं ये आपका, ठीक है, तो ये एक चार ये स्टेप प्रोसेस है, ये जरूर याद रखिएगा CWDR, यानी कि चैरिटी, वेलफेयर, डेवलपमेंट और राइट। ये इस स्टेज में जो समाज कार्य का पूरा डेवलपमेंट हुआ है, कि सबसे स्टार्टिंग में क्या था कि चैरिटी वाला कॉन्सेप्ट था, भिक्षावृत्ति की समाज के जितने लोग हैं उनको अगर ये दान पुण्य करना चाहिए, ये एक सोशल वर्क है, प्लस उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर ये समझा गया कि नहीं, 1930 के आसपास कि नहीं वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, कि जो स्टेट है वो सबका वेलफेयर करे, ठीक है, तो वो वाले राष्ट्र की, जैसे अब उस टाइम पे कई सारे जो कंट्रीज थी वो कॉलोनाइज थी, तो वो डीकॉलोनाइजेशन जब हुआ तो धीरे धीरे वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। फिर डेवलपमेंट की बात होने लगी कि देखिए ऐसा है कि सिर्फ व्यक्ति दोषी नहीं है, उसका पर्यावरण भी दोषी है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए कोई समस्या से ग्रसित है तो उसकी ये उसकी गलती नहीं है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, वो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ से वो एडजस्ट खुद नहीं कर पा रहा है, वो एनवायरनमेंट गलत है, वहाँ के लोगों का या फिर वहाँ का जो टोटल एनवायरनमेंट का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी के साथ जस्टिस हो रहा है, किसी को सती के लिए अगर आप फोर्स कर रहे हो, तो ये उसकी थोड़ी ना गलती है कि वो कर गया, वहाँ पर उस कंडीशन ऐसी बना दी जाती है, तो ये तो एनवायरनमेंट को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमेशा व्यक्ति दोषी नहीं होता है, उसका एनवायरनमेंट भी दोषी होता है, ठीक है। तो इसीलिए कई सारे अगर आप सोशल वर्क की प्रोसेस देखेंगे तो जो सेकेंडरी मेथड है, सोशल एक्शन हम पढ़ेंगे आगे चल के, उसमें सारी सब चीज़ें बताई जाएंगी। फिर ये बोला गया कि राइट्स की, राइट बेस्ड अप्रोच की बात हुई, कि देखिए ऐसा है कि जो सरकार मान लीजिए हमारे ऊपर कुछ कर रही है, तो ये ऐसा नहीं कि सरकार कोई एहसान कर रही है, ये हमारा अधिकार है। तो ये इस हिसाब से सोशल वर्क का डेवलपमेंट हुआ है। अब क्योंकि सोशल वर्क का जो है इनिशियल स्टेज में चैरिटी से ही हुआ है, तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का, कि लोग सोचते हैं कि जो चैरिटी करते हैं वो सोशल वर्क है, वो चैरिटी सोशल वर्क थोड़ी ना है। अब मान लीजिए कोई दान देने जा रहे हैं आप, तो दान देने के लिए आपको ये थोड़ी ना कोई पूछेगा कि आपके पास की डिग्री है कि नहीं, कि आप दान देने ऐसे निकल पड़े हो, आपके पास ये फलाना डिग्री है कि नहीं। दान देने के लिए कोई डिग्री की जरूरत थोड़ी ना है, दान देने के लिए कोई स्किल की जरूरत थोड़ी ना है, और दान देने में आप कोई परमानेंट सोल्यूशन दे रहे हो। आपने किसी भिखारी को खाना खिला दिया मान लीजिए, तो खाना तो उसी टाइम के लिए खिलाया है ना, परमानेंटली उसको थोड़ी ना हमेशा के लिए उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। एक जापानी की कहावत भी है कि किसी को मछली देने से अच्छा है कि उसको मछली पकड़ना सिखा दो, ठीक है। ये वाले कुछ एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं। तो सोशल वर्क ये चैरिटी है, ये एक मिसकंसेप्शन है, लेकिन सोशल वर्क अलग है, चैरिटी अलग है। चैरिटी का मतलब है उसको टेम्परेरी सॉल्यूशन देना, ठीक है। और उस टाइम पे ये एंशियंट से चालू हुआ था, फिर ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये समझाने लगा कि भैया जी ऐसा है कि समाज का जो है जुड़ा हुआ व्यक्ति वो उसका अंग है, तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को समस्या होगी तो समाज जो है वो हेल्दी नहीं रह पाएगा, इसलिए उसको हेल्प करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अर्थदान वितरण नहीं होता है कुल मिला के, क्योंकि अर्थदान वितरण के लिए किसी भी आपको डिग्री, स्किल, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि ये श्रमदान है, वॉलंट्री लेबर है। देखिए श्रमदान क्या होता है कि वो ऐच्छिक होता है, वो वॉलंट्री है, ठीक है। उसके लिए आपको ये थोड़ी ना कि आपके कोई कंपल्शन है कि नहीं, आपको उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे रहे हो, आपका मन हुआ तो आपने किया, नहीं मन हुआ नहीं किया। और श्रमदान कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पार्टी पॉलिटिक्स के लिए, कि हम ये दिखाने के लिए कि देखिए हमने ये किया है, देखिए हमने ये किया, ये सब चीज़ों पे ये इन्वॉल्व होता है। इसीलिए श्रमदान जो है वो भी एक तरह से वॉलंट्री है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देता है। श्रमदान करने के लिए भी आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कुछ गोल्डन जो वो बताए थे ट्रिक्स, हर जो मिसकंसेप्शन का
एंटी आर्गूमेंट क्या है कि वो प्रोफेशन बेस्ड नहीं है, वो स्किल बेस्ड नहीं है, वो फील्ड एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं है, उसके लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है, वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं देता है। ये चार पांच चीज़ें याद रखिएगा आप। फिर सोशल वेलफेयर, जो सोशल वर्क है वो सोशल वेलफेयर नहीं है, समाज कल्याण नहीं है सोशल वेलफेयर, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें कि सोशल वर्क को बोलते हैं कि सोशल वेलफेयर एजेंसी होता है ये, अब कि ये समाज सेवी संस्था ही है जो ये समाज कार्य है। इसमें ऐसा होता है कि देखिए समाज कार्य किया तो जाता है समाज सेवी संस्था के द्वारा, लेकिन वो समाज सेवी संस्था नहीं है। और एक इसमें कॉन्सेप्ट ये भी है कि जितने भी लोग जो वेलफेयर, मान लीजिए किसी भी वेलफेयर एजेंसी से जुड़े हुए हैं, अगर वो उस फील्ड के वर्कर हैं तो वो कहते हैं कि हम भी सोशल वर्कर हैं, ऐसा नहीं है। ये वाली जो बात है ये डेफिनेशन में भी एक आई थी और ये बताया गया था कि देखिए जो वो उनका जो एरिया है वो अपनी इंडस्ट्री के जो प्रिंसिपल हैं, मोड ऑफ कंडक्ट है, उसके हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। सोशल वर्क की अलग एक मेथोडोलॉजी है पूरी, ठीक है, सोशल वर्क की पूरी अलग प्रोसेस है, सोशल वर्क के पूरे अलग मेथड्स हैं कि किसकी हेल्प कर रहे हैं, इंडिविजुअल की, ग्रुप की, कम्युनिटी की, तो उसके लिए पूरी एक मेथोडोलॉजी लगती है। अगर मान लीजिए इंडिविजुअल की कर रहे हैं तो उसका एक अलग तरीका है, ग्रुप की कर रहे हैं उसका अलग तरीका है, कम्युनिटी की कर रहे हैं उसका अलग तरीका है। वहाँ पे प्रोफेशनल लोग इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे डिग्री की ज़रूरत है, वहाँ पे फील्ड एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ऐसे ही नहीं, और पूरा एक प्रॉपर तरीके से होता है, साइंटिफिक प्रोसेस है। सोशल वर्क साइंस भी है, आर्ट भी है, ये सारे कीवर्ड आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें कि ये कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी को समस्या है तो इसका ये मतलब है कि सेवार्थी में सिर्फ आप परिवर्तन करिए, क्योंकि जो समस्या ग्रसित है वही मेन पॉइंट है, वो अपनी समस्या की खुद जड़ है, आपको जो इन्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, कई बार ऐसा देखा गया है कि सेवार्थी गलत नहीं होता है, पर्यावरण भी दोषी होता है उसका, सिर्फ व्यक्ति गलत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए वो किसी ऐसी सोसाइटी में पहुंच गया जहाँ पे उसको, वहाँ पे लोग ही ऐसे हैं, यहाँ वहाँ के लोगों के थॉट प्रोसेस उससे नहीं मिलती है, नहीं वो एडजस्ट कर पा रहा है सोसाइटी से, तो ये सब चीज़ें वो कैसे पला बड़ा है उसका, ये पूरी एनालिसिस की जाती है इसीलिए, ठीक है। तो पहले ये होता था कि सिर्फ ये देखा जाता था कि नहीं व्यक्ति में चेंज कर दो बस, आप जो क्लाइंट है, जो सेवार्थी है, बस उसमें चेंज करो। लेकिन फिर ये कॉन्सेप्ट निकल गया है कि नहीं, पर्यावरण भी दोषी है, अगर आपको समस्या को सॉल्व करना है किसी, तो आपको व्यक्ति में भी चेंज लाने पड़ेंगे, प्लस उसके जो सराउंडिंग में इन्वायरमेंट है उस पर भी चेंज लाने पड़ेंगे, दोनों को देखना पड़ेगा, दोनों की पूरी एनालिसिस होगी, और जहाँ पे समस्या का जो मेन रूट है वो जड़ से ख़त्म किया जाएगा, उसके लिए आपको पर्यावरण को भी चेंज अगर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा तो बिल्कुल करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सोशल रिफॉर्म है ये, तो सामाजिक सुधार नहीं है ये, ठीक है। सामाजिक सुधार में भी अगर आप देखेंगे कि किसी के साथ कोई एट्रोसिटी हो रही है, कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो अलग चीज़ें हैं चल रही हैं, ये वहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है दोनों अलग अलग हैं। समाज सुधार एक इसका बीच का स्टेज हो सकती है, लेकिन सोशल वर्क नहीं है वो। सोशल वर्क में हमेशा याद रखिएगा पांच चीज़ें, फिर मैं बता रहा हूँ क्या है। वहाँ पे प्रोफेशनल डिग्री इन्वॉल्व है, यहाँ पे फील्ड एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, यहाँ पे स्किल्स की ज़रूरत है, यहाँ पे एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक लाइवलीहुड ऑप्शन होता है, तो ये एक प्रोफेशनल एक्सरसाइज है। रिफॉर्म तो एक इसका पार्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि ये सोशल सिक्योरिटी है, मतलब किसी को, मान लीजिए किसी को कोई बेरोजगार है, कोई बूढ़ा है, या फिर कोई और किसी भी समस्या से ऐसा है कि उसको सिक्योरिटी इंश्योरेंस दे दो, तो ये भी एक सोशल वर्क है। ये सोशल वर्क नहीं है, यहाँ भी आपने कोई परमानेंट सॉल्यूशन का इलाज नहीं किया है। अगर कोई बेरोजगार है उसको भत्ता दे दिया तो उसका कोई इलाज थोड़ी ना हो गया ये, ठीक है। तो ये है। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सोशल वर्क क्या है, ये सिर्फ एक सिटी ओरिएंटेड प्रॉब्लम है। अरे उससे क्या मतलब हुआ, सोशल वर्क को जो प्रॉब्लम को, मान लीजिए एक सोशल वर्क का मतलब क्या है। सोशल वर्क में देखिए तीन जो है मेथोडोलॉजी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो इंडिविजुअल की सहायता की जाती है, या ग्रुप की, और या फिर कम्युनिटी की, ठीक है। अब वो इंडिविजुअल, ग्रुप और कम्युनिटी क्या सिर्फ अर्बन एरिया में थोड़ी ना होते हैं, वो तो विलेज एरिया में भी होते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही वैसी बात हो गई फालतू की। अब हाँ ये जरूर है कि सोशल वर्क अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे इनिशियल स्टेजेस में, कि इंडस्ट्रियल लेबर जो होते थे उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता था, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अर्बन, और कई सारी जो वेलफेयर एजेंसी हैं वो भी एक्चुअली अर्बन एरियाज़ में ही हैं, तो लोग सोचते हैं कि नहीं जो अर्बन वाले हैं वही लोग के लिए सोशल वर्क होता है, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है सिर्फ, ठीक है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सोशल वर्क क्या है, ये एक सिंबल है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। ये क्या बात हुई, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ये जरूर है कि जो मान लीजिए यूके में हो गया, यूएस में हो गया, कनाडा में हो गया, वहाँ पर सोशल वर्क का एक पूरा प्रोफेशनली वो है, प्रोफेशन है, और ये लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड भी है। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि वहाँ पर पूरी तरह से एक्सेप्टेंस हो चुका है। जो हमारी ईस्टर्न सोसाइटी है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ भी लोगों ने पूरी तरह से सोशल वर्क को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं किया है।
मतलब अगर आप किसी की मदद करोगे तो वो ये नहीं मानेंगे कि आपको कोई फीस भी देनी चाहिए, ठीक है, कि आपके पास कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं, हाँ आपके पास एक डिग्री भी होनी चाहिए तभी आप किसी की इस तरह से सहायता कर पाओगे कि वो अपनी सहायता करने काबिल खुद बन सके, वो खुद इंटरडिपेंडेंट बन सके, कॉन्फिडेंट बन सके और पूरा वो परमानेंट उसको सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है। तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाला भी एक मिसकंसेप्शन है। सिर्फ एक बात जरूर है यहाँ पे कि हमारे जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है यहाँ पे पूरी तरह से अभी भी सोशल वर्क को एज ए प्रोफेशन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। बिल्कुल सही बात है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है सोशल वर्क पे, और ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि क्यों अभी तक सोशल वर्क पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं बन पाया है या फिर लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया है इंडिया में, ठीक है। तो ये कुछ 9 मिसकंसेप्शन थे, और अगर आप चाहें यूट्यूब में भी फ्री प्रयास के तहत ये क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब मिसकंसेप्शन ऑफ सोशल वर्क, इसमें देखिए मैं बता दे रहा हूँ लिखना कैसे, एक इंट्रोडक्शन छोटा सा देना पड़ेगा 3-4 लाइन का, उसके बाद जो मैंने मेन कीवर्ड बताए हैं ये जरूर लिखिएगा, और उसके बाद फाइनली कंक्लूड करके, और हर जो ये मिसकंसेप्शन है इसमें छोटे छोटे कुछ कुछ जो शॉर्ट नोट जरूर लिखिएगा, जो मेन मेन बातें बताई ये सब, ठीक है। 250 वर्ड का लिखना है, 9 मिनट का लिखना है, आप चाहें तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं सोशल वर्क का, 8564880530। एक बात है बस गारंटी, मैं पूरा कोर्स करा दूंगा, ऑडियो लेक्चर्स इसमें मिलेंगे कंप्लीट, पेड कोर्स में पूरे कंप्लीट ऑडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस मेरे ऐसे छोटे छोटे मैं नोट्स बना के देता रहता हूँ कि कीवर्ड्स उसमें पता चलते रहें, कई सारे और भी मैंने नोट दिए हैं, कंप्लीट जो कंपाइलेशन है वो भी मिल जाएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और आंसर राइटिंग भी पूरी होगी हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। मतलब सोशल वर्क वाला जो पेपर है अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, करवा मैं सब दूंगा, पेपर वन में कुछ गिनो चुने आप 50 क्वेश्चन अगर कर लो, 50 से 60 उसी में से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत कम सिलेबस है, उससे ज़्यादा बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और जो पेपर टू होता है वो करंट अफेयर बेस्ड होता है, कई सारे जो सोशल इश्यूज होते हैं पिछले 1-2 साल के उसको पढ़ के हो सकता है काम यहाँ पे, और अगर नहीं भी आप ज्वाइन कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं ऑडियो लेक्चर्स पूरे के पूरे यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा अगर आप लोगों ने कमेंट किया इस पर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मार्च के एंड तक हमारे ऑडियो लेक्चर कंप्लीट हो पाएंगे पूरे, तो वो फिर मैं एक एक करके पूरा शेड्यूल कर दूंगा एक दिन बैठ के, तो पूरा अप्रैल भर सोशल वर्क चल जाएगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो बताइएगा, ऑल द बेस्ट है।